ओके स्टूडेंट, वेलकम मैथ एजुकेशन बाय योर मैन। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको हर एक अपडेट, हर एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और AD हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC। BC का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब परपेंडिकुलर कह रहा है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब बाइसेक्टर कह रहा है यानी कि BD ये BC को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है, ये और ये हमारे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्टर कर रहा है, कह रहा है। तो यहां पे हम लिख देंगे, देखो अब हमें क्या शो करना है, AB is equal to AC, AB is equal to AC हमको शो करना है, यानी कि ABC जो है वह आइसोस्केल ट्रायंगल हमको प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, देखिए ABD, इस वाले ट्रायंगल की बात किया जाए, इस वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट हम दिखा दें, ठीक है। चलिए कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है। देखिए इन ट्रेंगल ए डी बी एंड ट्रेंगल ए डी सी में, तो ए डी बी में चलो, पहले ए डी बी में चलो। तो देखो ए डी हमारा क्या है, कॉमन है, ठीक है, जो इसमें भी है और इस वाले ट्रेंगल में भी है। तो यानी कि लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हो जाएगा कॉमन, ठीक है, ये हो गया साइड, ठीक है, कॉमन हो गया। अब देखो ये 90 अगर इधर बना रहा है, परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ 90 बन रहा है, तो इधर भी तो हमारा 90 बनेगा, तो ये एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, ए डी सी हो जाएगा, एंगल ए डी सी, ये क्या हो गया हमारा एंगल हो गया साइड एंगल। अब देखो साइड एंगल, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा, कैसे, देखो साइड एंगल साइड, ये रिलेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, देखो साइड एंगल साइड। अब देखो BD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा CD के ना, CD का क्यों, क्योंकि यह BC का बाइसेक्टर है ना, ये AD बाइसेक्टर है, यानी कि BD इज इक्वल टू CD लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू CD, ये क्या हो गया हमारा साइड हो गया। अब देखो साइड एंगल साइड से हम क्या लिख सकते हैं, यह कांग्रुएंट हो गया, क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के, जब यह कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ये क्या मिल रहा है हमें कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, हेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। जब ए बी ए सी इक्वल हो गया तो यानी कि ट्रायंगल ए बी सी की अगर बात की जाए, ए बी सी यानी पूरे बड़े वाले की बात की जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोस्केल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि दो साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, ए बी सी इज आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, धन्यवाद। ओके थैंक्स।